कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्रणाम। पहला आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस आज हम आ रखे मार्केट, तो मार्केट से हम जल्दी यहाँ पर आ गए हैं झोला देवी मंदिर घूमने के लिए। और ये देखो गाइस, पहले हम गाइस सेवन स्टोन जा रहे थे तो वहाँ गए नहीं, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, बहुत ज़्यादा पैदल भी चलना पड़ेगा। तो अभी सोचेंगे कि जाएंगे नहीं जाएंगे। देखो गाइस कितनी सारी घंटियाँ हैं, और ये रहा पार्किंग एरिया है, और ये रहा झूला देवी मंदिर। ये देखो गाइस कितने सारे लगा के, बहुत सारे हैं गाइस। ये देखो गाइस भर रखे पूरे घंटियों से, कितने सारे हैं। तो गाइस ये रहा मंदिर। तो गाइस मम्मी लोग तो वहाँ आरती में गए हैं, और मैं यहाँ पर बैठ रखा हूँ। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए मैं नहीं गया वहाँ पर। तो मैं तो यहाँ पर बैठ रखा हूँ और शिवम मंदिर का चक्कर लगाने में लगा हूँ से, और आपको आरती की भी आवाज़ आई दी होगी। तो गाइस हम झूला देवी मंदिर से आ गए हैं घूम के। वहाँ अंदर फ़ोटो और वीडियो लेना मना था, तो हम ले नहीं पाए। और अभी राम मंदिर जा रहे थे हम, पर यहाँ पर देखो गाइस इतने सारे, बहुत सारे लंगूर हैं, इसलिए जा नहीं पाए। अगर गाइस जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो गाइस इस साइड को आर्मी एरिया है, वो देखो गाइस वहाँ पर वो भी है। गाइस फाइनली लंगूर से बचते बचाते आ गए हैं ऊपर मंदिर में हम। आगे को आपको दिखाते हैं गाइस, चलो।
आ गए हैं और वहाँ बहुत सारे लंगूर थे, तो हम बहुत देर तक वहाँ रुके रहे और हमारे चप्पल नीचे थे और वहीं पे बहुत सारे लंगूर भी बैठे थे, तो हम जा नहीं पाए। थोड़ी देर बहुत देर होने के बाद वहाँ पर से लंगूर हट गए, तो हम आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं सीधे घर। अगर घर नहीं जाएंगे तो आपको बीच में अगर कहीं घूमेंगे तो आपको दिखा देंगे, वरना सीधे चलते हैं घर। तो वह चलो, ये देखो गाइज यहाँ की लोकेशन कितनी अच्छी है। तो हमें वहाँ से गाड़ी मिल गई थी और अभी हम आ गए हैं अशाना पार। तो गाइस आपने जैसे कि पहले वाले व्लॉग में देखा था कि ये बंद था, तो आज ये खुल रखा है, तो हम आ गए हैं आपको दिखाने के लिए। और ये देखो गाइस, ये बच्चों के लिए कितना अच्छा पार्क है। तो गाइस रानीखेत में ये बच्चों के लिए खेलने के लिए सबसे अच्छा पार्क है। और तो गाइस अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं, यहाँ पर एक एक करके सबका दिखाते हैं आपको गाइस। चलो अशाना पार से बाहर। और ये गाइस देखो, शिवम और मौसी तो अंदर ही हैं, तो अभी हमको लग दी है थोड़ी भूख, तो अभी हम कुछ नीचे से ख़रीदने जा रहे हैं मैं और मम्मी। तो गाइस चलो चलते हैं। तो गाइस हम अशाना पार्क से आ गए हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला था और सब जाने भी लग गए थे, तो हम सब भी आ गए। और ये देखो गाइस, यहाँ पर कितने सारे फूल गिर रखे हैं पर्पल कलर के,
वो देखो गाइस, इसका ऊपर पेड़ भी है और बहुत सारे गिर रखे हैं। और इसी रोड के बगल में ही मम्मी लोगों का स्कूल भी है। तो गाइस हम आ गए हैं गोलू मंदिर और हम सब तो आगे आगे चल रहे हैं। मम्मी पीछे से वीडियो बना रही है क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, रानीखेत दिखता है पूरा यहाँ से। और अभी गोलू मंदिर में कोई नहीं है क्योंकि अभी होने वाला है अंधेरा, और यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, दर्शन करते हैं और योगा भी करते हैं सुबह सुबह यहाँ। और ये देखो गाइस, शिव यहाँ घंटी बजाने में लगा है। और अभी हम थोड़ी फ़ोटो वोटो खींचते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं घर को क्योंकि नाना जी भी फ़ोन कर रहे हैं। तो हम सब थक चुके हैं। और ये देखो गाइस, रोड कितनी ज़्यादा सुनसान हो रखी है। अभी शाम के टाइम पे यहाँ पर लोग वॉक करने आते हैं, तो अभी सब घर को चले गए हैं और अभी हम भी चलते हैं गाइस। चलो तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।